मामला हरदा जिले के रहट गांव थाना क्षेत्र के ग्राम दूध कच्छ का है। यहां 20 साल के युवक की बुधवार रात सीने में हंसिया घोंप कर हत्या कर दी गई। मृतक की बहन का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले अनिल डोंगरे, विशाल डोंगरे, संजय डोंगरे और उनके माता पिता माणिक चंद और रामबाई ने मिलकर उसके भाई की हत्या की है। आरोपी परेशान कर रहे थे, इसकी शिकायत पुलिस में भी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। युवक की हत्या के बाद परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश है। परिजन सब लेकर घर के बाहर बैठे हैं। वे आरोपियों को फांसी देने और उनके घर पर बुलडोजर चलाने का मांग कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाया लेकिन वे अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के घर पर तत्काल बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक सब नहीं उठेगा। हरटगांव टीआई मनोज उइके ने बताया कि घटना रात 10 बजे की है। रात में ही शिकायत दर्ज कर ली गई थी। सुबह जब पंचनामा कार्यवाही के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था लेकिन परिजन आरोपियों के घर तोड़ने की कार्यवाही पर अड़ गए। इसके बाद राजस्व विभाग को सूचना दी गई। अधिकारी पहुंचे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। पांचों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। घर बैठो ना, वहाँ पर मैसेज करा ने तो के माए पास गयो के भाई दादा तुम तुम्हारा छोरा समझाई ली, तुम हर बेर पास फोन नहीं कर रहा, आधे आधे रात में फोन कर वो तो ना काई गलत बोली। जो मृतक है उसकी माँ रुकमणी बाई की रिपोर्ट पर जो है धारा 302, 147, 148, 149 IPC का अपराध तत्काल पंजीबद्ध किया।